जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका आभार है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़ जाएं, ताकि आपको हमेशा अच्छी अच्छी जानकारी के साथ वीडियो मिलते रहे। लेटर है, अक्षर है, इन जातकों के बारे में कि आप अकेले में इस बातों का अनुसरण करें, ताकि आपको हमेशा कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। पहली बात है दोस्तों, मैं हमेशा इस बात को लेकर आप को चेतावनी देता हूँ कि आप धन का संचय करें। अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं तो 20 रुपये बचाएं, लेकिन सेविंग्स की एक आदत जो है वो आप अपने मन में डाल लें। क्योंकि अगर आप आज धन बचाएंगे तो वो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और उससे आप एक बहुत अच्छी व्यवस्थाएँ आपकी कर सकते हैं, जो आपको शायद बड़ी बड़ी परेशानियों से निजात पाएगी। दूसरी बात है, बेफिजूल के विवादों से आप दूर रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके साथ तकलीफ ये होती है कि कई बार विवाद चलकर आप तक आता है और आप परेशानी में फंस जाते हैं, क्योंकि आप भावुक हैं, सरल हैं, सहज हैं, किसी की मदद करना चाहते हैं। तो मदद करना अच्छी बात है, लेकिन एक बार ऑब्जर्वेशन ज़रूर करें कि मदद किसकी की जानी चाहिए, क्योंकि कई बार मदद के सिलसिले में आपके साथ तकलीफें बढ़ जाती हैं। तीसरी बात है कि आप उन लोगों पर विश्वास बिल्कुल मत करें जिन्होंने एक बार आपको धोखा दिया हो। जो आपकी आदतन आप ये चीज़ करते हैं कि जिन लोगों ने आपको धोखा दिया फिर भी आप उन पर माफ़ करके आगे बढ़ते हैं, ऐसा मत करिएगा। जो एक बार धोखा देगा वो डबल धोखा ज़रूर देगा। चौथी बात यह है कि आप ईश्वर का नाम लेते रहें, हमेशा ईश्वर का जप करते रहें, और ईश्वर के बिना यह कुछ भी संभव नहीं है। हम आपके मन में कई सारे प्रश्न उठते होंगे, ये ऐसा है, वो ऐसा है, कुछ भी हो ये दुनिया, आप एक बात अगर मन में बिठा लेंगे कि यहाँ जो भी होता है ईश्वर की इच्छा से होता है, और वो बहुत सही करेगा। आप अपनी मेहनत करें, ईमानदारी से अपना काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। हमारे साथ परेशानी यह है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं, दूसरों को देखा करते हैं, और खुद में जो कमियां हैं उन कमियों से खुद से नाराज़ हुआ करते थे। बल्कि जो कमियां हैं उनमें हमें दुरुस्ती करना चाहिए, हमारे स्किल को डेवलप करना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप ईमानदारी से अपना काम करते हैं, आप वाकई में ईमानदार हैं, वाकई में, ये शब्द इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि हम दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं, ये कई बार लोगों के साथ हो चुका है। इसलिए PR नेचुरल, जो नेचुरल है वो अलग ही अद्भुत लगेगा, भीड़ में अलग ही दिख जाएगा। जो नेचुरल है अलग ही दिख जाएगा, जिनके मन में कोई छल कपट नहीं हो। बाकी ये शरीर तो माटी का पुतला है, ये आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं सिर्फ यही बात आपको, जो मैंने बातें बताई इनको आप ध्यान रखें, और इन बातों के लिए ध्यान रखेंगे आप तो आपको कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में ज़रूर कमेंट्स में लिखें। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।